इस वक्त मैं अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। शरद जी, मंदिर के निर्माण में अभी तक क्या प्रगति हुई? देखिए, मंदिर का निर्माण जो है, भूतल का काम जो है तीव्रता से चल रहा है, और यह भूतल का कार्य जो है ये मानकर चला जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर तक ये पूर्ण हो जाए और जनवरी माह में रामलला अपने अधिष्ठान पर विराजमान हो जाए, आसन पर विराजमान हो गए। इस प्रकार से इस कार्य को तीव्रता के साथ रातों दिन जो है ट्रस्ट के लोग चला रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। निपेंद्र मिश्र जी जो हमारे कार्य अध्यक्ष हैं निर्माण समिति के, वो लगे हुए हैं, और मासिक और त्रैमासिक इसके साथ पाक्षिक बैठकें भी होती हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कार्य जो है बड़ी अपनी तीव्रता से चल रहा है, और कारीगर जो है वो लगातार पत्थरों पर नक्काशी का काम कर रहे हैं। यह कार्य अभी प्रारंभ हुआ है। सर जी, मुझे बताइए, अभी भूतल का कार्य भी तकरीबन अधूरा ही है। मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा भूतल का कार्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है, काम लगातार चल रहा है। देख रहे हैं, ये जो है पिलर लग गए हुए हैं, छत पड़ रही है, और छत जब पड़ती है तो ये तमाम तरह के जो लोहे के आप देख रहे हैं पाइप वगैरह, ये लगे हुए हैं, ये रेलिंग लगाकर जो है छतों का निर्माण हो रहा है, और ये सारे कार्य हो चुके हैं। अभी नवंबर और दिसंबर तक जो है गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे, हम लोगों का जो एक संकल्प था वो पूर्ण होगा। इस दृष्टि से जो है हम सब जो है उसमें कृत संकल्पित जो थे पहले, आज भी हम सबकी प्रसन्नता इसी में व्यक्त हो रही है कि समाज इसके दर्शन के लिए यहाँ पर आएगा। सर जी, मैं देख रहा हूँ कि जो फाउंडेशन स्टोन है वो तकरीबन काम उसका पूरा हो चुका है, यानी कि जितनी परिधि में मंदिर निर्मित होना है उसका काम तकरीबन पूरा हो चुका है। बिल्कुल, ये जो फाउंडेशन का काम है ये पहले ही पूरा किया गया, इसके साथ अब जो है पिंक सैंड स्टोन का काम चल रहा है, और पिंक सैंड स्टोन जो बंसी पहाड़पुर से लाया जा रहा है वह लगातार लग भी रहा है। आगे ऊपर भूतल के बाद जो है प्रथम तल का काम प्रारंभ हो जाएगा, तो वो काम चलता रहेगा, लेकिन जनवरी माह में गर्भगृह में जब रामलला विराजमान होंगे तो यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात होगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि नक्काशी भी बहुत जबरदस्त की गई है, तमाम सारे जो कारीगर हैं वो नक्काशी करते हुए नजर भी आ रहे हैं हम लोगों को, तो कितना अद्भुत होगा ये। नागर शैली में नक्काशी हो रही है, नागर शैली चूंकि उत्तर भारत का अंग है, और इस नागर शैली में तमाम तरह के जो है देवी देवताओं के चित्र और फूल पत्तियाँ, इसके अलावा जो है तमाम तरह के चिन्ह जो हमारे भारतीय संस्कृति के, हमारे धार्मिक उसके जो हैं चिन्ह हैं वो उकेरे जा रहे हैं, तो ये जो है इस पर लगातार जारी है काम। और क्या खूबसूरती, क्या विशेषता होने वाली है? विशेषता देखिए इसमें यह है कि एक साथ जो है लगभग 25,000 से ऊपर लोग जो है दर्शन कर सकें, हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि 1,00,000 लोग एक साथ उपस्थित हों, और यह जो है एक दुर्लभ दर्शन का जो एक हम सबका एक प्रतीक्षा थी वो पूर्ण हो, और इसके लिए जो है कारीगर जो है अपने जी जान से लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो सिंह द्वार बनकर तैयार है, रंग मंडप, कोली गर्भगृह, बिल्कुल कोली गर्भगृह है, ये सब बन रहा है, बनकर खड़ा है। गर्भगृह का काम भी लगभग पूरा हो गया है, अब छत का काम चल रहा है और नीचे फर्श का काम बाकी है, ये सब पूरा हो जाएगा समय से अपने। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सिंह द्वार तैयार हो चुका है, गर्भगृह का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, और कोशिश ये की जा रही है कि एक समय पर तकरीबन 25,000 लोग एक साथ रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। मैं मौजूद हूँ धर्मनगरी अयोध्या में, उसी अयोध्या में जहाँ पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, और मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद भी हूँ जहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। तो आज अयोध्या में किस तरह से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, कितने लोग उसके निर्माण में लगे हुए हैं, और कितना भव्य और दिव्य मंदिर ये होने वाला है, ये तमाम सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इस मंदिर स्थल पर जहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वहाँ की एक एक तस्वीर हम आपको News 24 के कैमरे पर दिखाने वाले हैं। अब हम अयोध्या में जो गर्भगृह है ठीक उसके बाहर मौजूद है, यानी कि जहाँ से आप मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, ठीक उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो जगह है, ये तकरीबन 25 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे वो इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से सीधे मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगी। और ये देखिए, ये वो रास्ता है पूरा ऊपर जाता हुआ जो मंदिर की तरफ जाएगा। ये तकरीबन 25 सीढ़ियाँ हैं जिसको शुरुआती दौर में जो श्रद्धालु आएंगे, जो भक्त आएंगे, उनको ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और उसके बाद ये सामने ठीक आपको मंदिर का प्रवेश द्वार नजर आ रहा होगा जिसके माध्यम से लोग मंदिर के भीतर प्रवेश भी करेंगे। तो ये एक शुरुआती स्टेप है, जब भी श्रद्धालु इस राम मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे तो सबसे पहले ये सामने का जो रास्ता मैंने अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है, यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक एक करके शुरुआती दौर में तकरीबन 25 सीढ़ियां यहां पर चढ़नी पड़ेंगी, और उसके बाद वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद ही उनको मंदिर की भव्यता और दिव्यता साफ तौर पर नजर आएगी।
यूं तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वहां से आपको निर्माण कार्य और निर्माण करते हुए लोग खास तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि निर्माण का जो कार्य है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। मंदिर के ठीक बाईं तरफ का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं कि आप देखिए कि यहां पर भी जो पत्थर तराशने का काम है वो यहां पर आपको कारीगरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, यानी पत्थर तराशी का काम बहुत तेजी से अयोध्या में जो राम जन्मभूमि स्थल है वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप पूरे एक बड़े एंगल से इस पूरे दृश्य को देखें तो आप देखेंगे कि मंदिर की बाईं तरफ भी आपको तमाम सारे जो कार्य है वो होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक बड़ी बाउंड्री वॉल जो मंदिर की परिधि से बाहर आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी वो पूरे मंदिर परिसर को घेरती हुई नजर आ रही होगी। ठीक इसी तरह से ये दूसरी तरफ का जो हिस्सा है मंदिर का जहाँ से आपको कुछ लोग आते हुए नजर भी आ रहे होंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ठीक इसी तरह से मंदिर की जो चौहद्दी है उसको पूरी तरह से घेरने की कोशिश अभी फिलहाल पूरी तौर पर यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। एक बड़ी दीवार आपको ये बाईं तरफ तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी, और इसी बड़ी दीवार को अगर आप देखें पीछे की तरफ तो इसी बड़ी दीवार के माध्यम से पूरे मंदिर परिसर को घेरा जाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिन पत्थरों की तराशी की जा रही है वो भी आपको देखिए यहां पर बड़ी संख्या में पत्थर आपको नजर भी आ रहे होंगे। और ठीक इसी तरह की तस्वीर अगर आप मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा आप देखें तो वहां पर भी आपको पत्थरों की एक बड़ी खेप तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। और इसी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी मंदिर की जो बाउंड्री है यानी कि जो मंदिर परिसर है उसको घेरती हुई दीवारें तकरीबन आपको बनती हुई तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रही होंगी। तो एक आप कह सकते हैं कि अयोध्या में जिस भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना अब देखा जा रहा था वो फिलहाल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सारे लोग यहां पर काम कर रहे हैं, जो निर्माण कार्य है उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया भी जा रहा है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले साल 2024 में ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और उस समय श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए भी आ सकेंगे। राम जन्मभूमि स्थल पर जिस तेजी से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसके दोनों तरफ यानी बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ बहुत तेजी से काम आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। ये मंदिर के दाहिनी तरफ का हिस्सा है और आप देखिए कि इस तरफ भी चाहे वो खुदाई का काम हो चाहे वो दीवार निर्मित का काम करने का काम हो वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर तस्वीरों में होता हुआ नजर आएगा। और बड़ी संख्या में जो कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी भी आपको एक कह सकते हैं कि बड़ी भीड़ कारीगरों की यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें बड़ी बड़ी मशीनें जिनका इस्तेमाल पत्थर ढोने में या पत्थर को मंदिर तक पहुंचाने में किया जाता है वो मशीनें आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। और इसके अलावा ये देखिए ये एक बड़ी मशीन है जिसके माध्यम से पत्थरों को नीचे से उठाकर ऊपरी तल तक पहुंचाए जाने का काम किया जाता है, ये मशीन भी आपको यहां पर तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रही होगी। तो मंदिर की दोनों तरफ यानी दाहिनी तरफ और मंदिर की बाईं तरफ दोनों तरफ बहुत तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। और एक तस्वीर मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि ये देखिए ये मंदिर की दाहिनी तरफ का हिस्सा है तो जो फाउंडेशन स्टोन है जो फाउंडेशन है वो पूरी तरह से बनकर तकरीबन तैयार हो चुका है, और उसके अगल बगल भी जो गैलरी है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे जिसपे भी निर्माण कार्य यहां पर तेजी से किया जा रहा है। तो ये मंदिर का आप तस्वीरों के माध्यम से जो एक बनता हुआ स्वरूप है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही आप मंदिर परिसर की तरफ प्रवेश करते हैं यानी कि जो गर्भगृह है उसकी तरफ प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको जो मंदिर निर्माण किया जा रहा है उसके सामने की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये मंदिर के सामने का हिस्सा है और ये जो द्वार आप देख पा रहे हैं दरअसल इसे सिंह द्वार यहां पर कहा जाता है, और इस तरह का द्वार यहां पर बनाया गया है। जबरदस्त नक्काशी इस द्वार पर आपको तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल भी रही होंगी। और ऊपर भी देखिए मंदिर के ठीक ऊपर का जो हिस्सा यानी सिंह द्वार के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर भी अभी फिलहाल जो कामकाज है वो बहुत तेजी से चलता हुआ यहां पर दिखाई भी दे रहा है। तो ये सिंह द्वार है जिसके माध्यम से आप सीधे मंदिर के भीतर भी जाएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले मैं आपको मंदिर के का जो दाहिनी और बाईं तरफ का हिस्सा है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये सिंह द्वार का एक बड़ा पिलर है, इसमें आप देखिए कि किस तरह की नक्काशी फिलहाल यहां पर देखने को मिल रही है। नागर शैली का इस्तेमाल इस मंदिर के निर्माण में यहां पर किया जा रहा है। जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और नक्काशी कितनी जबरदस्त है ये आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर भी आ रही होगी। अब आपको मंदिर का जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है उसको मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए अभी लोहे के बहुत सारे रॉड यहाँ पर आपको लगे हुए नजर आ रहे होंगे जो मंदिर की आधारशिला को मजबूत करने के लिए फिलहाल यहाँ पर लगाए गए हैं, और आप देखिए कि लंबे लंबे रॉड है लोहे की, और जो नक्काशी है उसका काम भी आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। इतनी खूबसूरत दीवारें मंदिर की तैयार की जा रही हैं इस पत्थरों के माध्यम से, आप देखिए कि इनकी नक्काशी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर एक बार किसी की निगाह पड़े तो वो काफ़ी देर तक उस नक्काशी को देखता ही रह जाए। तो इस तरह से पत्थरों को तराशने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सामने की तरफ से एक रास्ता आपको नजर आया, इसके अलावा एक ये सीढ़ियाँ मंदिर की तरफ आगे जाती हुई आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ से भी आप मंदिर की तरफ प्रवेश कर पाएंगे। और जो मंदिर की तरफ प्रवेश करने के तमाम सारे द्वार हैं उनके अगल बगल आप देखिए कि जो
संरचना तैयार की गई है, पत्थरों में जो नक्काशी की गई है वो आपको बेहद खूबसूरत नज़र आएगी और इस पर लगातार काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ठीक इसी तरह से यानी मंदिर के चाहे दाहिनी तरफ का हिस्सा हो या मंदिर के बाई तरफ का हिस्सा हो, सभी तरफ इसी तरह से लोहे के लंबे लंबे रॉड लगाए गए हैं। चूंकि अभी जो भूतल है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है, अब सिर्फ उस पर छत डाली जाना बाकी है। तो इसलिए इस तरह की पूरी आप कह सकते हैं कि लोहे का एक बड़ा जाल मंदिर के चारों तरफ से यानी दाहिनी तरफ, बाई तरफ, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, हर तरफ लोहे का ज़बरदस्त जाल यहाँ पर बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो भूतल है उस पर छत डालने का काम अभी कुछ दिनों में यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। तो सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि मंदिर परिसर की थोड़ी सी आप बाहर भी जाकर देखिए तो वो देखिए, आपको यहाँ पर नक्काशी करते हुए तमाम सारे कारीगर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे जो यहाँ पर मंदिर की नक्काशी कर रहे हैं। मंदिर को एक खूबसूरत स्वरूप देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब मैं आपको ठीक मंदिर के भीतर ले आया हूँ, यानी कि जब आप मंदिर के गर्भगृह की तरफ प्रवेश करेंगे तो इस रास्ते से आपको यानी सिंह द्वार को पार करते हुए आपको ठीक सामने आना होगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऊंची ऊंची दीवारें मंदिर की आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी, जिसमें अलग अलग नक्काशी, अलग अलग जो कलाकृतियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो नक्काशी की जानी है, पहले उसको स्केच ड्रॉ उसका किया गया है और उसके बाद पत्थर पर उसको चिपकाकर उस तरह की आकृति इस पर उकेरी जाएगी। ठीक इसी तरह की स्थिति, इसी तरह की तस्वीर हर पिलर पर आपको देखने की मिलेगी। कहीं पर त्रिशूल है, कहीं पर फूल है, कहीं पर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। इस तरह की नक्काशी फिलहाल आपको जो मंदिर परिसर है, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे ठीक वैसे वैसे आपको अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग आकर्षित करते हुए देवी देवताओं की तस्वीरें नजर आएंगी। ये देखिए ये एक और पिलर है, इसकी भी नक्काशी आप देखिए कि यहाँ पर भी अलग अलग कलाकृतियों के माध्यम से पत्थरों पर जो तराशा गया है पत्थरों को, उनके माध्यम से उस पर चित्र उकेरने की पूरी कोशिश इस कलाकृति के माध्यम से आपको देखने को मिल रही होगी। जो मंदिर के ऊपर का हिस्सा है, अभी फिलहाल ये दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे जो मंदिर जो भूतल तैयार हुआ है उसके ऊपर कहीं कहीं पर आप देखिए कि ऊपर के हिस्से पर भी पत्थर तराशे गए हैं, ये आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगा। हालांकि पूरे मंदिर परिसर में अभी जो ऊपर छत का हिस्सा है उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इस तरह से नक्काशी वाले आपको जो छत है वो दिखाई पड़ेगी। ये देखिए ठीक ऊपर का जो हिस्सा है मेरे, यहाँ पर अभी छत नहीं डाली गई है, यहाँ पर अभी नक्काशी नहीं की गई है पत्थरों की। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए जाएंगे आपको पत्थरों पर अलग अलग तरह की नक्काशी यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगी। तो ये एक मंदिर का आप कह सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत स्वरूप फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है और जहाँ जहाँ पर भी आपकी तस्वीरों के माध्यम से नजर जाएगी वहाँ पर आपको अलग अलग नक्काशी, अलग अलग स्वरूप फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज़ 24। इंद्रदास जी कौन सा अखाड़ा? निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस वक्त राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद हैं। दिनेंद्र दास जी मुझे बताइए, बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तब आज ये मंदिर का स्वरूप निकलकर सामने आया है, क्या कहना है? बड़ा सौभाग्य रहा कि पूरे हिंदू मोमिन सब एक हो गए, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएगा सब मानने के लिए तैयार हो गए, सब पूरे देश में रामलला का काम हुआ, सब संतुष्ट हैं और 2024 में रामलला फिर यहाँ आ भी जाएंगे, पूजा पाठ करना शुरू हो जाएगी यहीं से। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों तो बहुत लंबे समय तक मुकदमा लड़े, बहुत लंबे समय तक अपना पक्ष आपने कोर्ट के भीतर भी रखा, बाहर भी देख रहा हूँ आज, ये जो मंदिर निर्माण आप देख रहे हैं ये आप लोगों की मंशा के अनुरूप हो रहा है? ये तो जैसे अखाड़ा बैरागियों का है, बैरागियों से रामलला सबके ऊपर विश्वास था, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया वो रामलला के लिए आ गया कि जो कुछ है रामलला का ही है, तो अखाड़े के पूरे देश के सब हिंदू मोहम्मद सब संतुष्ट हो गए, महात्मा लोग भी संतुष्ट हैं और आपस में सद्भावना प्रेम बन चुका है। तो आप आते रहते हैं समय समय पर इसका निर्माण देखने के लिए? क्योंकि जब जिंदगी रामलला के लिए है तो रामलला के लिए तो आना ही पड़ेगा, देश में सद्भावना प्रेम बनाए रखना भी पड़ेगा, देश में सब लोग सब संतुष्ट हैं, रामलला पूरा सबको संतुष्ट बनाए रखेंगे। तो ये सपना आप लोगों का साकार हो रहा है, मन में कुछ भाव आते हैं? और जो 500 साल पहले कभी कभी निर्मय अखाड़ा ही हमेशा 24 घंटा पूजा कर रहे थे, मैं दादा गुरु के नाम जमीन थी, लेकिन अब कोर्ट ने रामलला को दे दिया, तो रामलला सबके हैं ही और अखाड़े को भी रामलला के ही हैं, जहाँ बैराग हों रामलला के हैं, तो जो काम हो रहा है सब रामलला की हो रहा है, सब संतुष्ट हैं,
सब प्रेम से काम हो रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास जी हैं, जिनका ये कहना है कि वो समय समय पर मंदिर निर्माण की प्रगति को देखने के लिए आते रहते हैं। इतना जरूर है कि वर्षों की जो लड़ाई लड़ी गई उसको एक बड़ी जीत के तौर पर इस मंदिर को फिलहाल देखा जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर JS आफले जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर मुझे बताइए कि कितना काम लगभग मंदिर का अभी तक पूरा हो गया? 55% तक का जो काम है वो हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें ग्राउंड का, फाउंडेशन का, प्लिंथ का और तल जो है ग्राउंड फ्लोर, इसका काम हो चुका है। अभी फर्स्ट फ्लोर का काम जारी है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के साथ में हम दिसंबर तक फर्स्ट फ्लोर पूरा कर पाएंगे, सेकंड फ्लोर और शिखर करने में और 1.5 साल लग सकता है। सर आप बता रहे थे बहुत सारे मंडप का निर्माण इस बीच में किया गया है, इसमें आते ही सिंह द्वार है, फिर बाएं बाजू में आप जो दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये नृत्य मंडप है, यह है रंग मंडप, इसके आगे की ओर है ग्रह मंडप, ये उसको गुड़ी मंडप बोलते हैं, उसकी बाई ओर कीर्तन मंडप और दाहिनी ओर प्रार्थना मंडप है, इसके बाद में प्रत्यक्ष जो गर्भगृह है जहाँ पे राम जी की मूर्ति रहेगी वो सबसे आखिर में। ऐसा देखा जाए तो पूरब से लेके पश्चिम तक 350 फीट और बाएं से मतलब दक्षिण से लेके उत्तर तक ये पूरा मंदिर 260 फीट लंबा और चौड़ा है, ऊंचाई रहेगी 161 फीट। कितना समय अभी और लगने वाला है मंदिर निर्माण होने में? ये पहला स्टेप जो है लोगों को आके ग्राउंड फ्लोर देखना, यहाँ का फर्श और सब पूरा होके और दर्शन लेने का, ये काम दिसंबर तक तय है, और ऊपर मतलब शिखर तक पहुँचने के लिए उसके बाद में और 10 महीने लग सकते हैं। मतलब जनवरी में श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा? श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए जो पहले मैंने जो 4 बताए ये सब घुमट भी हो जाएंगे, केवल शिखर का काम रहेगा, तो शिखर का काम बाद में होता रहेगा। ये JS आफले जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अलग अलग जो मंडप बनाए गए हैं, यानी सिंह द्वार से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो अलग अलग मंडप जो निर्मित किए गए हैं यहाँ पर, वो फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जनवरी में जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो ये तमाम सारे मंडप देख पाएंगे, जो नीचे का फाउंडेशन है वो देख पाएंगे, ऊपर जो कलाकृतियाँ की गई हैं छत पर वो देख पाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर मंदिर में दर्शन भी कर पाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कितनी तेजी और कितनी कलाकृतियों के साथ किया जा रहा है, इसकी वानगी मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकता हूँ कि आप देखिए कि जैसे ही आप मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश करते हैं ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर जो पत्थर हैं उनके ऊपर कलाकृतियाँ उकेरते हुए तमाम सारे यहाँ पर जो आपको कारीगर हैं वो तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। पहले पेपर पर बाकायदा उसकी आकृति तैयार की जाती है और उसके बाद पत्थर के ऊपर रखकर आप देखिए कि यहाँ पर पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से न सिर्फ एक तरफ बल्कि ये दूसरी तरफ भी आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए कि मूर्तियों को उकेरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं पिलर हैं इस मंदिर पर, वहां पर तमाम तरह की कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं, तमाम तरह देवी देवताओं के चित्र यहां पर आप बनाए जा रहे हैं और उसकी तस्वीर आपको सामने साफ तौर पर नजर भी आ रही होगी। इसके अलावा जो बात मैंने आपको पहले बताई कि मंदिर में कई जगह पर ऊपर छत का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, तो ये ऊपर की तस्वीर आप देखिए कि जैसे जैसे आप अंदर मंदिर के भीतर जाते जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की नक्काशी, अलग अलग तरह की कलाकृति मंदिर के भीतर आपको छतों पर देखने को मिलेगी और वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करती हुई नजर आएगी। ठीक इसी तरह से आप देखिए कि ये मेरे ठीक ऊपर जो दूसरी आपको कलाकृति नजर आएगी, अगर आप ये दाहिनी तरफ जाते हैं मंदिर परिसर में ही, तो ये देखिए आपको ऊपर भी अलग अलग कलाकृतियां अब फिलहाल मंदिर परिसर के भीतर आप देखने को मिलेंगे भी, यानी पत्थरों पर तराशने का जो काम यहाँ पर किया गया है वो कितनी साफगोई के साथ किया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ किया गया है, ये आपको मंदिर में अलग अलग जो पिलर है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये देखिए एक पिलर ये है, तो यहाँ पर भी आपको तमाम तरह के फूल बने हुए नज़र आएंगे, अलग अलग कलाकृतियाँ आपको नजर आएंगी, कहीं पर आपको फूल नज़र आएंगे, कहीं पर आपको अलग अलग नक्काशी करते हुए लोग नज़र आएंगे, कहीं मंदिर का स्वरूप यानी मंदिर का गुंबद भी आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगा। तो ठीक इसी तरह से जैसे जैसे आप मंदिर के भीतर आप प्रवेश करते जाएंगे तो आपको बेहतरीन नक्काशी, बेहतरीन कारीगरी यहाँ मंदिर परिसर के भीतर देखने को मिलेगी, और जहाँ भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी तो वहाँ पर आपको काम करते हुए लोग नजर आएंगे, जो तमाम सारे कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको अगर आप मंदिर की छत देखें, यानी कि जो अलग अलग द्वार जो बात कही जा रही थी, तो आप देखिए यहाँ पर भी अलग नक्काशी, अलग कलाकृति आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेगी। और ये ठीक सामने जो आपको एक दीवार नज़र आ रही है यहाँ पर भी ज़बरदस्त नक्काशी देखने को मिल रही है। आप देखिए अलग अलग कलाकृतियाँ यहाँ पर पत्थरों पर फिलहाल उकेरी गई हैं जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे आप मंदिर परिसर के भीतर
अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें, खूबसूरत आकृतियाँ, खूबसूरत कलाकृतियाँ आपको मंदिर के पिलर पर, मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलने वाली है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो गठित किया गया है उसके सदस्य अनिल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त राम जन्मभूमि स्थल पर हमारे साथ हैं भी। अनिल जी मुझे बताइए कि कितना काम लगभग कम्प्लीट हो गया मंदिर का? मंदिर का काम नहीं, हम भूतल की बात करें, भूतल का काम पूरा हो चुका है। केवल अब जो कार्य है वो बारीक काम जिसको कह सकते हैं, जिसको हम कसीदागारी कहेंगे, फूल पत्तियों की बारीकियों का निर्माण करना है, जो मंदिर के खंभों में मूर्तियों का निर्माण करना है, रूप काम का निर्माण करना है, उसके लिए कारीगर अपने स्थान पर काम कर रहे हैं। ये काम भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 170 खंभे भूतल, 170 खंभे हैं पूरे भूतल में, जिसमें दर्शन मार्ग में पड़ने वाले 70 खंभे आएंगे। वो सारे 70 खंभों में रूप काम का निर्माण हो सके, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि दर्शन मार्ग में जब दर्शनार्थी आना शुरू हो जाएगा तो काम करना जरा कठिन होगा, इसलिए वो दर्शन मार्ग का रूप काम, मूर्तिकारी का काम ये पूरा हो जाए। शेष काम आगे चलता रहेगा। अभी इस रूप काम के साथ साथ हम फर्श और प्रकाश व्यवस्था की तैयारी में लग गए हैं। हमारी जो सफ़ेद मार्बल की फर्श का निर्माण करना है, जो नंबर एक क्वालिटी का है, उस पर इनले वर्क होना है। सारे पत्थर आ गए हैं, इनले के पत्थर आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी हम फर्श के निर्माण का काम भी करेंगे, साथ ही साथ प्रकाश व्यवस्था भी प्रारंभ हो जाएगी। गर्भगृह आप देख रहे हैं, उस पर वाइट नंबर एक का मार्बल लग चुका है, उसमें कलाकारी हो चुकी है, वो भी पूरा हो चुका है। अब आने वाले जनवरी 2024 में हम भगवान को ले आकर विराजित कर सकें, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के फिनिशिंग का काम भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, ऐसा लार्सन एंड टुब्रो और टीसी के सभी इंजीनियर्स और लोग हमको आश्वासन दे रहे हैं, निश्चित रूप से पूरा करके देंगे। और भक्तों को मकर संक्रांति के बाद रामलला यहाँ विराजित होंगे, उनको दर्शन सतत मिलता रहेगा, इस तैयारी में ट्रस्ट और उसके इंजीनियर्स लगे हुए हैं। अच्छा मुझे बताइए कितने मंडप बन रहे हैं अंदर? मंडप बहुत सारे बनाए जा रहे हैं? बहुत सारे मंडप नहीं, दर्शन मार्ग में कुल 5 मंडपों का निर्माण है, गर्भगृह का शिखर छोड़कर ऐसे 5 मंडप, 3 मंडप से गुजर करके दर्शनार्थी जाएगा। गुड़ी मंडप जो आगे दिखाई पड़ रहा है, यहीं से उसको दर्शन मिलेगा। गुड़ी मंडप से दर्शन करने के बाद बाईं तरफ निकल जाएगा, बाएं और दाहिने 2 मंडप हैं, जिसको हम भजन मंडप और कीर्तन मंडप कहते हैं। ये 5 मंडप हैं जो इस रचना में भक्तों के को देखने को मिलेंगे। 5ों मंडप का जो विशेष कलाकृतियों के हैं, आप ये कह सकते हैं उसकी जो कसीदाकारी है, उसका आर्ट है, वो विशेष प्रकार की शैली का है, नागर शैली का है। कलाकार अपनी पूरी शक्ति लगा करके स्थापत्य कला का प्रकटीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर जो आएगा वो देखता ही रहेगा, निश्चित रूप से ऐसा विश्वास है। आप भी आज फिल्मांकन कर रहे हैं, देखेंगे। करने के लिए मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल 5 मंडप दर्शन करने वाले रास्ते में बनाए जाएंगे। उन 5 मंडपों को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा वो सारी चीज़ें आपने सुनी। और ये आप देखिए कि अभी ये जब आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो दाहिनी तरफ की कुछ दीवारें अभी ऐसी भी हैं जिन पर अभी नक्काशी का कार्य किया जाना है, लेकिन जैसे जैसे आप मंदिर के गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक आपको चाहे वो छत हो मंदिर की या जो पिलर्स बनाए गए हैं उन पर ज़बरदस्त नक्काशी और ज़बरदस्त आकर्षित करती हुई चीज़ें, देवी देवताओं की तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर उकेरी गई हैं। अब हम अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का गर्भगृह है ठीक वहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि सिंह द्वार जहाँ पर हम एंटर हुए थे, उसके बाद अलग अलग मंडपों से होते हुए इस वक्त हम ठीक गर्भगृह के भीतर मौजूद हैं जहाँ पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इस गर्भगृह की तस्वीर दिखाता हूँ, यानी कि आप देखिए कि जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ सफ़ेद मार्बल की ज़बरदस्त नक्काशी आपको यहाँ मंदिर की दीवारों पर नज़र आ रही होगी। हालांकि वो काम अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, उसका काम भी बाकी है, लेकिन गर्भगृह के भीतर आप पहले दीवारों को देखिए, जो गर्भगृह की दीवारें हैं वहाँ पर ज़बरदस्त नक्काशी आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रही होगी। आप देखिए कि ये तमाम तरह की कलाकृतियाँ, तमाम तरह के फूल और जो आप कह सकते हैं देखिए मोर की यहाँ पर आकृति आपको तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ रही होगी। तो ठीक इसी तरह की तस्वीर गर्भगृह के भीतर
जो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पर रामलला विराजमान होने वाले हैं, वहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी कि कितनी खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर गर्भगृह के भीतर की गई है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप ठीक उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जो जगह गर्भगृह कही जाती है, यानी जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से ये आपको इस गर्भगृह की वास्तविक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए ये जो जगह आप देख पा रहे हैं दरअसल यही गर्भगृह है जहाँ पर रामलला स्वयं विराजमान होंगे। यहाँ पर आपको एक पताका भी तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही होगी, भगवा रंग की पताका जिस पर बजरंगबली की तस्वीर यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। तो यही वो मेन जगह है जिसे मंदिर का गर्भगृह कहा जा रहा है जहाँ पर स्वयं भगवान रामलला विराजमान होंगे। आप देखिए कि यहाँ पर इसको चिन्हित भी किया गया है, यहाँ पर फिलहाल पूजा भी की जाती है। आप देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से तमाम सारी चीज़ें नजर आ रही होंगी। और ये गर्भगृह मंदिर के निचले हिस्से तक जाता है, यानी कि जो फाउंडेशन बनाई गई थी उसके निचले हिस्से तक ये गर्भगृह का तस्वीर, जो ये पिलर है ये निचले हिस्से तक जाता है। अब इस गर्भगृह में आपने देखा कि कहाँ पर पताका, फिलहाल भगवा रंग की पताका यहाँ पर आपको लहराती भी नजर आ रही होगी जिसमें बजरंग बली की तस्वीर भी है। तो अब ये गर्भगृह के ठीक साफ बगल में ये दीवारें हैं गर्भगृह के भीतर, उसकी तस्वीर देखिए। ये देखिए यहाँ से लेकर के ऊपर तक जहाँ भी आपकी नज़र कैमरे के माध्यम से जाएगी वहाँ पर आपको ज़बरदस्त नक्काशी, ज़बरदस्त कलाकारी और ज़बरदस्त खूबसूरती यहाँ मंदिर के गर्भगृह के भीतर आपको देखने को मिलेगी। और ठीक इसी तरह की स्थिति जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ देखने को मिल रही है। ये देखिए ऊपर आपको जैसे जैसे आप कैमरे के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर कलाकृतियाँ अपना स्वरूप बदलती हुई भी नज़र आएंगी। फूल पत्तियाँ तमाम तरह के जो कारीगरी है वो इन पत्थरों पर देखी जा रही है। ये देखिए मोर की आकृति आपको पत्थरों पर साफ तौर पर नज़र आएगी, दोनों तरफ, इस तरफ भी एक मोर है, इस तरफ भी एक मोर है। और ठीक इसी तरह से जैसे आप ऊपर जाएंगे यानी छत के ऊपर का हिस्सा अगर आप देखें, गर्भगृह के छत के ऊपरी हिस्से को अगर आप देखें तो आप देखें कि वहाँ पर भी ज़बरदस्त कलाकारी सफ़ेद रंग के मार्बल पर देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कहें या यूं कहें कि जिस राम मंदिर के लिए सालों साल एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया, तो वो अब सीधे तौर पर अपने स्वरूप में ढलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि वो एक वास्तविक स्वरूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कहा जाता है, कहा भी जा रहा है कि जब ये मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा, पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत अनूठा और अनोखा मंदिर होगा जिसमें दर्शन करने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आकर इसका दर्शन करेंगे, इस बात का दावा भी लगातार किया जा रहा है। अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जहाँ पर गर्भगृह बनाया गया है जहाँ पर खुद रामलला विराजमान किए जाएंगे, एक बहुत बड़ा आयोजन जब उनको विराजमान किया जाएगा गर्भगृह के भीतर तो उस पर किया जाएगा। लेकिन उस गर्भगृह के अंदर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लेकिन जो गर्भगृह है उसके बाहर की तस्वीर भी आप देखिए कि ये जो पिलर गर्भगृह की तरफ जाता हुआ रास्ता है उसके दोनों तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी आपको मंदिर की आकृति यानी मंदिर का जो गुंबद होता है उसकी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आएंगी। ये आप देखिए कि मंदिर का पिलर, मंदिर का गुंबद, ठीक इसी तरह की तमाम तरह की कलाकृतियां मंदिर में जिस तरह के जो पिलर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी भी आकृति आपको यहां पर जो द्वार बनाए गए हैं, जो पिलर्स बनाए गए हैं बड़े बड़े, उन पर साफ तौर पर नजर आएगी। इसके अलावा अलग अलग नक्काशी आपको गर्भगृह के भीतर जाने से पहले ये दाहिनी तरफ से लेकर के बाईं तरफ पूरा देखने को मिलेगा, और एक बड़ा गेट जो मंदिर की तरफ जाता हुआ रास्ता है उसके पास आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगा। ठीक इसी तरह से जैसे ही आप गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ते हैं ठीक उस तरफ उसी समय आपको मंदिर के दाहिनी तरफ यानी यहां पर भी एक मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसकी आपको जगह साफ तौर पर नजर आ रही होगी। और ठीक इसी तरह एक बड़ी मूर्ति जो मंदिर का बाईं तरफ का हिस्सा है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए बाकायदा जगह बनाई गई है, यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। तो मंदिर में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे, लेकिन मंदिर परिसर के भीतर आते आते तमाम सारी तरह की देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। इसके अलावा जैसे ही आप गर्भगृह से दाहिनी तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसके बगल से आपको एक रास्ता अंदर जाता हुआ भी तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आएगा। दरअसल इसी रास्ते से आप जब अंदर जाएंगे तो आप मंदिर की परिक्रमा भी कर पाएंगे। ये रास्ता आपको पूरी तरह से तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा, और इस रास्ते पर भी जितनी भी नक्काशी कलाकृतियां आपको पत्थरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं उस पर पूरी मेहनत कारीगरों की तरफ से की गई है कि कैसे मंदिर के भीतर जब आप आते हैं तो गर्भगृह में दर्शन करने के बाद भी आप इस परिक्रमा मार्ग पर जा पाएंगे, यहाँ से परिक्रमा कर पाएंगे। और ये एक रास्ता है जो गर्भगृह के दोनों तरफ जाएगा, यानी यहाँ से आप परिक्रमा करने के लिए मंदिर के बगल से प्रवेश करेंगे और उसके बाद इसी के बगल से होते हुए आप दूसरी तरफ से उस बाहर आ जाएंगे, यानी कि एक परिक्रमा का मार्ग भी
यहाँ पर पूरी तरह से आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। और ठीक इसी तरह से जो मंदिर की दीवारें हैं, जो बाहरी दीवारें हैं, जैसे ये एक हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये एक हिस्सा मंदिर का जो पिलर आप देख पा रहे हैं, इस पर भी आपको नक्काशी नजर आ रही होगी, जो पत्थर है उस पर तराशी गई नक्काशियाँ आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। और जो मंदिर की बाहरी दीवारें हैं, यानी कि ये एक बाहरी दीवार है, यहाँ पर भी एक मूर्ति स्थापित की जाएगी, इसके लिए भी यहाँ पर जगह छोड़ी गई है। ठीक इसी तरह से वो जो मंदिर का दूसरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी, उनके लिए भी पत्थरों के बीच में जगह बनाई गई है। तो नक्काशी के साथ साथ जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो दाहिनी तरफ बाईं तरफ दोनों हिस्सों पर आपको तमाम देवी देवताओं और जो उनकी मूर्तियाँ आपको यहाँ पर स्थापित की भी नजर आएंगी। और तमाम तरह की नक्काशी कलाकृतियाँ मंदिर को एक जीवंत स्वरूप देती हुई जो कलाकृतियाँ हैं, नक्काशियाँ हैं, वो आपको मंदिर की दीवारों पर साफ तौर पर दिखाई देंगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या News 24। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल के समीप तमाम सारी ऐसी जगह भी हैं जिनको सौंदर्यीकरण जिनका किया जा रहा है। ये अयोध्या का भव्य राम मंदिर आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा, और उसके ठीक जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है, वहां पर ये सामने आपको सीताकूप नजर आ रहा होगा। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में जो 11 पौराणिक स्थल हैं, उसमें सीताकूप अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। और इसके साथ ही कुबेर किला, कुबेर टीला पर स्थित जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, सीता रसोई है, नल नील सुग्रीव टीला भी प्रमुख स्थल है। भगवान श्री राम के गर्भगृह के अग्निकोण पर जो सीताकूप के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसे पत्थरों से सजाया जा रहा है। खास बात यह भी है कि उसके आसपास साफ सफाई और हरियाली भी विकसित की जाएगी। और इस स्थल को लेकर ऐसी मान्यता है कि देश के सभी तीर्थ स्थलों का जो जल है वो इसमें समाहित है, और अयोध्या नगर में होने वाले धार्मिक और मांगलिक जितने भी कार्यक्रम है, इस स्थल के जल का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो ये आपको तस्वीरों के माध्यम से मैंने सीताकूप की तस्वीर दिखाई, जिसके ऊपर आपको धनुष भी दिखाई पड़ रहा होगा, जिस पर वाण भी आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। तो मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ ये जो कूप है, इसे सीताकूप की मान्यता दी गई है, और इसे इसमें भी देश भर के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका जल इसमें समाहित माना जाता है। तमाम सारे बड़े आयोजनों में इस जल का इस्तेमाल भी किया जाता है, अयोध्या में इस बात की पौराणिक मान्यता भी है। तो ये सीताकूप है जिसको फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि इसको भी चारों तरफ से इसको बैरिकेड किया गया है, इसके भी सौंदर्यीकरण का कार्य फिलहाल लगातार यहाँ पर चल भी रहा है, थोड़ा बहुत कार्य आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रहा होगा। तो ठीक इसी तरह से, यानी जिस तरह से जिस तेजी के साथ राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से जो पौराणिक स्थल है राम जन्मभूमि परिसर में, उनके भी सौंदर्यीकरण का काम बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का स्वरूप कितना भव्य और दिव्य होगा, इसकी तस्वीरें आपने मंदिर के भीतर से तो देखी, लेकिन मंदिर बाहर से कैसा दिखने वाला है, इसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये आप मेरे ठीक पीछे जो बड़ी आकृति, बड़ी कलाकृति की तस्वीर आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं, दरअसल यही अयोध्या में वो जगह है जहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, यानी यही वो राम मंदिर है जिसको भव्यता और दिव्यता देने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब अगर आप कैमरे के माध्यम से मंदिर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों से लेकर के और मंदिर के ऊपरी हिस्से को देखें, तो आप देखेंगे कि मंदिर की भव्यता का अंदाजा दूर से इस कैमरे के माध्यम से कितनी साफ तरीके से देखा जा सकता है कि कितनी भव्य और कितने दिव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। और ये मंदिर के पिछली तरफ का हिस्सा है, वहां पर भी आप देख रहे होंगे कि तमाम तरह के द्वार, तमाम तरह के पिलर्स मंदिर पर आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। और यहां पर काम करने वाले लोग भी कितनी तेजी से इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने आपको मंदिर के भीतर की तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है। और अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर के पास सिक्योरिटी भी बहुत चाक चौबंद नजर आ रही है, आपको मंदिर के एक गेट के पास सिक्योरिटी के तमाम सारे जवान तस्वीरों के माध्यम से नजर आ भी रहे होंगे। ठीक इसी तरह की स्थिति मंदिर के चारों तरफ, यानी कि मंदिर के सामने के हिस्से की तरफ, पीछे के हिस्से की तरफ, मंदिर के बाएं हिस्से की तरफ और मंदिर के दाहिने हिस्से की तरफ सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद फिलहाल की गई है। और ये मंदिर की दिव्यता और भव्यता को दिखाती हुई तस्वीर आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जब ये राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो उस वक्त इसका स्वरूप क्या होगा, ये कितना लोगों को आकर्षित करेगा और कितना भव्य मंदिर होगा, ये आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो हम लोग इसे देख भी पाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर की प्रतीक्षा पूरा विश्व कर रहा है, खासतौर पर भारत के तमाम सारे लोग इस मंदिर के बनकर तैयार होने का पूरा इंतजार भी कर रहे हैं। जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तब दर्शन इसी तरह से होगा जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि सामने सीढ़ियों से आप अंदर जाएंगे, तमाम सारे मंडपों से होते हुए आप गर्भगृह तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर आपको दर्शन तब प्राप्त होंगे। लेकिन फिलहाल अयोध्या में जो मंदिर की व्यवस्था की गई है, यानी कि चूंकि अभी
रामलला अस्थायी मंदिर में विराजमान है। तो यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सामने जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दरअसल वहाँ पर अस्थायी तौर पर रामलला विराजमान किए गए हैं। और ये मेरे ठीक सामने जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यानी नीले रंग की जो शेड्स लगी हुई हैं, इसी के भीतर मंदिर में जो रामलला है उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को इसी रास्ते से भेजा जाता है और वो दर्शन करके इसी रास्ते से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन जब ये मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो दर्शन की व्यवस्था में भी पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा, तब ये व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी और दर्शन की नई व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन मंदिर निर्माण के पहले आप देखिए कि तमाम तरह के निर्माण कार्य हमने आपको दिखाए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हमने आपको दिखाई जो यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल भी रही हैं। लेकिन जिन शिलाओं पर काम किया जा रहा है, जो शिलाएं मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही हैं, उनकी वास्तविक स्थिति यानी कि जब वो पत्थर लाए जाते हैं तो उनका स्वरूप क्या होता है, ये देखिए, ये एक शिला यहाँ पर लाई गई है, प्लेन शिला पूरी तरह से, इस पर कोई जो नक्काशी है वो आपको इस पत्थर पर नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ये पत्थर मंदिर के भीतर लाए जाते हैं तो कारीगरों के माध्यम से यहाँ पर उन पर नक्काशी की जाती है और उन नक्काशी के माध्यम से इन पर तमाम तरह की कलाकृतियाँ उकेरी जाती हैं, जिसके बाद ये पत्थर बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं, जिनका निर्माण फिलहाल मंदिर के निर्माण में किया जा रहा है। ये देखिए, तमाम तरह की कलाकृतियाँ, तमाम तरह की नक्काशी आपको यहाँ पत्थरों पर फिलहाल दिखाई पड़ रही होगी। तो इसी तरह से जहाँ भी आपकी कैमरे के माध्यम से नज़र जाएगी वहाँ पर आपको पत्थर दिखाई पड़ेंगे, जिन पर नक्काशी किए हुए पत्थर भी आपको तस्वीरों के माध्यम से नज़र आएंगे, जिनका इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया जा रहा है। तो ठीक इसी तरह की स्थिति पूरे मंदिर परिसर के आसपास जहाँ पर भी पत्थर रखे गए हैं, जहाँ पर भी उनका निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो तमाम सारी तस्वीरें आपको फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नज़र आएंगी। और देखिए, सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यहाँ पर जो ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं उन पर भी आप देखिए, ये देखिए, जिन ईंटों का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में आसपास किया जा रहा है उस पर भी लिखा हुआ है श्री राम 2023, यानी साल 2023 में जिन ईंटों का निर्माण या ईंटों का इस्तेमाल इस मंदिर के आसपास की दीवारों पर किया जा रहा है उस पर आपको साफ तौर पर श्री राम 2023 इस तरह की ईंटें यहाँ पर लिखी हुई आपको नजर आएंगी। और पूरी पूरी खेप, ये देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी ईंटों की एक खेप है जिस पर लगभग सब पर श्रीराम 2023 श्रीराम ऐसे तमाम सारी चीज़ें आपको लिखी हुई नजर आएंगी। तो ये देखिए, इस तरह की तस्वीर फिलहाल आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करेगी कि मंदिर निर्माण में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिन ईंटों का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है उस पर भी श्री राम ही लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज़ 24।